नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रेम में असफल क्यों होते हैं, उनका ब्रेकअप क्यों होता है, क्या बातें होती है, कौन सी वजह होती है, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियाँ हैं वो सभी 12 राशियों को ब्रेकअप क्यों, किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, क्या वजह होती है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि का ब्रेकअप या फिर उनको असफलता प्रेम में क्यों मिलती है। हालांकि नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि प्रेम अगर करना है तो आपके आपके पास कुछ बातें होना ज़रूरी है, जैसे कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कोई ना कोई तो बात आप में कुछ अलग होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका प्रेम हो सकता है या फिर आपका रिलेशन अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। हालांकि ये जो बातें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। शुरुआत में मतलब जब आपको आप किसी के रिलेशनशिप में जा रहे हो तब ये जो बातें हैं उनमें से कई छोटी मोटी बातें हैं वो होती है ज़रूर, लेकिन उसका वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर आप किसी के प्रेम में हो तो ये जो सभी बातें हैं किसी भी प्रकार के मायने नहीं रखती। आपका जो प्रेम है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये जो स्वभाव है वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि का जो नेचर है, धनु राशि का जो स्वभाव है वो किस प्रकार का होता है वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान ऐसी ये राशि है, मतलब सभी राशियों में, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियाँ उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जावान ये राशि है। हमेशा इनकी जो ऊर्जा है वो दिखाई देती है, उनके बोलने में, इनके रहन सहन में, इनके बोलचाल में, सभी जगह इनकी जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, और उनमें इन पेशेंटनेस ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब कोई भी काम करना है वो जल्दी जल्दी पूरा करना है, उसमें उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, काम पहले पूरा करेंगे, तो ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हेल्पफुल होते हैं नेचर में, दूसरों को हमेशा मदद करते हैं, और यह जो व्यक्ति होते हैं इनका घर से ज़्यादा घर के बाहर के लोगों पर या फिर समाज में इनका उठना बैठना काफ़ी ज़्यादा होता है। बाहर के जो लोग होते हैं उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, उनको कुछ मतलब किसी को भी मतलब वो जान पहचान का वाला है या नहीं वो नहीं देखते। कोई भी अगर व्यक्ति अगर दुख में है तो उसके लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, और ये यही नहीं देखते कि इससे मैं मदद करके मुझे कुछ मिलने वाला है या नहीं, ऐसी बात नहीं होती। मतलब उसको वो जाकर मदद कर भी देती है, और मदद करने के बाद इन रिटर्न्स कभी ये नहीं सोचते कि मैं एक बार मैंने मदद करने के बाद ये कुछ अब हमें कुछ देने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इनका जो नेचर होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊर्जावान होता है, और जो भी बातें हैं वो सामने सामने बोलने वाले होते हैं, मतलब किसी से भी कभी भी अपनी मदद के बारे में कभी याचना नहीं करते। कि अभी जैसे मैंने कहा कि कभी इनके बारे में इनके मन में ये कभी नहीं होता कि कुछ मैं मदद करूं किसी के तो उसके इन रिटर्न्स मुझे कुछ मिल जाए, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, और बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है इनमें, जो भी बात इनके दिल में होती है वही आप इनके वाणी में भी होती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि ऊर्जावान होते हैं। करियर के मामले में भी देखा जाए तो यह राशि अच्छी आगे बढ़ती है, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंटेलेक्चुअल इनके काफ़ी अच्छा होता है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इंसानों के साथ इंसानों की तरह मतलब बिहेव करो, ये बात भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। किसी भी व्यक्ति को ये जो राशि है दुख में नहीं देख सकती, अगर इनसे जो भी बन सकता है ये राशि करती है, और आउट ऑफ द वे जाके भी काम करती है। मतलब इनसे अगर कोई काम बन नहीं रहा तो किसी और व्यक्ति से जो काम है वो बनाकर मतलब आपकी मदद करेंगे, तो ये बात इन व्यक्ति में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ऊर्जा इस राशि की काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, कभी भी घर पे नहीं रहेंगे, फैमिली से ज़्यादा फैमिली के बाहर के जो लोग होंगे उनके साथ ये मिलजुल इनका काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से समाज के जो लोग होते हैं इनमें एक इनकी एक खास इमेज होती है, और हर एक व्यक्ति को ये अपने अपने से लगते हैं। मतलब अगर आप किसी की मदद करते हो तो आपको फेमस होना ही है, तो ये व्यक्ति जो होते हैं वो भी फेमस होते हैं, और इनके एक इमेज होती है कि दूसरों को काम आने वाला व्यक्ति, और किसी को भी इनको ना कहना मतलब नहीं आता। अगर कोई भी बात इनके बस में है या नहीं, फिर भी किसी व्यक्ति को वो ना कभी नहीं करते। अगर किसी ने भी इनके पास मदद मांगी तो जल्दी से ना कहना इन्हें नहीं आता। मतलब जैसे कि मेष राशि के बारे में या फिर सिंह राशि के बारे में ये बातें होती है, या फिर वृश्चिक राशि के बारे में अगर उनको वो ना कहना हो तो सीधे सीधे ना कहेंगे कि हमसे वह बात नहीं होने वाली। लेकिन यह जो राशि है धनु राशि को ना बोलना नहीं आता, उनमें उसमें वो भी बात होती है कि अगर मैं ना कहता तो उनको वो मदद नहीं कर सकता, फिर ये वो वाली मत है, मतलब ये ना जल्दी से नहीं कर पाते। तो यही बात होती है कि हर जो व्यक्ति होते हैं इनके पास आता है या फिर इनसे जुड़ा हुआ रहता है,
तो अगर ये राशि रिलेशनशिप में है तो इनको क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि ये सभी गुण अच्छे हैं इनमें, इंटेलेक्चुअल इनके बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, दूसरों का मदद अच्छे करते हैं, इनमें ऊर्जा काफ़ी अच्छी देखी जाती है, हर समय काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इनका भी ब्रेकअप हो सकता है या फिर हो जाता है? कौन सी बातें हैं? हालांकि हमें हमेशा लगता है कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा जो स्वभाव, मेरा जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है, लोग सराहना भी करते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप होता है? तो पहली ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो पहली बात आप उसको टाइम दीजिए, आप उसको स्पेस दीजिए, आप अपना जो समय है वो उसे दे दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आपकी राशि के ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप समय नहीं ज़्यादा देते सामने वाले व्यक्ति को। तो अगर आप समय नहीं दे पाते तो सामने वाले व्यक्ति होता है व्यक्ति वाले व्यक्ति जो होता है उसके मन में यही प्रश्न आता है कि मैं भी बाकी के जो लोग हो लोग जो है जो कि मतलब इनके पास आते हैं या फिर ये इनको मदद करते हैं उसी की तरह वो हम मुझे भी देख रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा समय नहीं देता, ज़्यादा मेरे साथ बातचीत करना नहीं चाहता। ये जो व्यक्ति होते हैं उनको बातचीत करने में ज़्यादा ये नहीं होता, वो मतलब जिससे बोलते हैं ना प्रैक्टिकल बातें पर बातों पर ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये जो बातें मतलब प्यार की बातें ये जो होती है ये इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आती इन व्यक्तियों को। मतलब धनुराशि के व्यक्तियों की ये बात थोड़ी होती है कि ज़्यादा बातें करना इन्हें पसंद, मतलब ज़्यादा जो प्यार वाली जो बातें होती हैं, रोमांटिक जो बातें होती है वो इन्हें ज़्यादा नहीं आती। हालांकि ये प्रॉब्लम मतलब उनके जो प्रैक्टिकल नेचर के थोड़े होते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी जो एक्शन होती है, उनकी जो कृति होती है उससे आपको ये पता चलेगा। तो ये बात आए तो पहली बात, जो जिसके भी रिलेशनशिप में आप हो उनको समय देना आना चाहिए, ये बात है। दूसरी बात, जैसे मैं यानी आज मैंने कहा कि आपकी जो वाणी है वो अच्छी होनी चाहिए, सीधे सीधे नहीं बोलना। मुझे पता है कि ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो भी जो ट्रांसपेरेंसी है वो दिखाओ आप अपनी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके जो वाणी होती है, उसके जो शब्द होते हैं वो अगर मिठास भरे हो तो फिर आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो और ज़्यादा हट के नज़र आएगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा समय दीजिए, अपने जो मतलब वाणी है वो अच्छी रखिए, और कम से कम मतलब आपकी जो रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति है उनके पास वन टू वन जिसे मिलना बोलते हैं, हर रोज़ नहीं मैं कहता, कभी ना कभी आप मिलते जाओ, प्रत्यक्ष रूप में भी मिलो। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो और मतलब आप अगर आप सामने वाले जो आपके रिलेशनशिप को बोल रहे हैं मुझे काम है मुझे नहीं जम रहा है ये जो भी वाले, अगर आप ऐसे करते हो तो सामने वाले व्यक्ति को हमेशा ये लगेगा कि आप उससे दूर भाग रहे हो। और तीसरी बात, कमिटमेंट देना सीखिए। आपकी जो राशि है वो कमिटमेंट नहीं देती, थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि आपकी राशि में वो बात होती है कि आपकी जो राशि है उसमें जो डिसीजन पावर है वो कम होती है, तो आपको हमेशा लगता है कि अगर मैं कमिटमेंट दे दूँ तो मैं बंध गया इस रिलेशनशिप में। देखिए, अगर आप प्रेम करते हो और प्रेम के आगे की जो पायदान है उसके ऊपर जाना चाहते हो तो कमिटमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, तो कमिटमेंट देनी आनी चाहिए। हाँ, उसके लिए थोड़ा वक्त लीजिए, लेकिन कमिटमेंट देना, अगर कमिटमेंट दे दो तो सामने वाले व्यक्ति भी आपको ऊपर भरोसा कर देती है। मुझे ये पता है कि आप तो सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से ट्रस्ट या भरोसा करते हो, लेकिन कमिटमेंट ये एक ऐसी बात होती है कि अगर आप कमिटमेंट दे देते हो तो सामने वाले जो व्यक्ति है तो वो आपके प्रति मतलब बिंदास हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है कि फिर आपका जो रिलेशन है वो पक्का हो जाता है। अगर आप उनको समय नहीं देते, अगर आप ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा एरोगेंटली बोल रहे हो और अगर उनको स्पेस नहीं दे रहे हो, कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तो रिलेशनशिप के कोई मायने नहीं रहते, ये बात होती है। तो वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और बाकी के जो लोग हैं उससे ज़्यादा यह जो व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति उसको ज़्यादा आप तवज्जो दीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही जो बातें, अगर इसी बातों पर अगर आप अच्छी तरह से ध्यान दें तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। हालांकि धनु के राशि के जो पुरुष होते हैं उनके जो विचार होते हैं असफल प्रेम में, या फिर धनु राशि की जो स्त्री होते हैं उनके भी असफल प्रेम के पीछे जो विचार होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। अगर मैं स्त्री और पुरुष के बारे में कहने को जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके बारे में स्वतंत्र वीडियो भी मैं निकालूंगा कि धनु राशि के पुरुष प्रेम में क्यों असफल होते हैं या फिर धनु राशि के स्त्री प्रेम में असफल क्यों होते हैं, वो भी मैं वीडियो निकालूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसके संदर्भ में कमेंट करो तो मैं ज़रूर इसके संदर्भ में वीडियो भी निकालूंगा, जिसकी वजह से आपको धनुराशि की पुरुष या फिर धनुराशि की स्त्री उसके जो कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद अगर धनुराशि के व्यक्ति असफल प्रेम में अगर असफल होते या फिर ब्रेकअप होता है तो उसके संदर्भ में उनकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कुंडली देखने के बाद उसका उनके जो पूरा व्यक्तित्व है वो समझ में आ जाता है।
तो दोस्तों ये था धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका ब्रेकअप क्यों होता है या फिर उनका प्रेम असफल क्यों होता है उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।